लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में आज लॉकडाउन एवं धारा 144 को देखते हुए धनवार में सन्नाटा देखने को मिला। जहां तक कि कहा जाए कि यहां बलरामपुर पुलिस एवं वाड्रफ नगर चौकी के सभी पदाधिकारी की मुस्तैदी चौक पर, साथ ही साथ चौकी के समर क्षेत्र में देखने को मिला। आइए हम लोग चलते हैं धनवार बॉर्डर, जो छत्तीसगढ़ और यूपी का बॉर्डर है, जहाँ पे एक ट्रक पार होता हुआ दिख रहा है। इसका जानकारी लेंगे, लोग किसके पास से इधर कैसे जा रहे हैं, कैसे तुम लोग जा रहे हो इधर? जी सर, मेरा नाम राहुल सिंह है, जो मेरा गांव ग्राम सरना पोस्ट केसारी जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के हूँ। मैं एक सप्ताह पहले काम करने जो गया था, बनारस से पीछे एक अहरोरा गांव है, वहाँ पत्थर खदान है, उस खदान में मशीनें चलती है, मशीन चलाने गया था। दो दिन मशीन चलने के बावजूद काम रुक गया, मोदी जी और पूरे भारत का लॉकडाउन हुआ, हम लोग भी उसी सिलसिले में वहाँ से भी बंद हुआ काम। अब क्या करें, उतना दिन 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, इसके बावजूद हम लोग रुक के वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ खाना दाना और पूरा मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग चले रोड पे आए तो साधन देखते हुए मेरे उस्ताद जी, एक ऐसा उस्ताद है कि फेटा के रास्ते पे पूछे कहाँ जाना है, जाना है छत्तीसगढ़, तो मैं भी जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ लेके, भाई घोड़े गिर रहा हूँ, आप लेके साथ में ले चलिए, जाने का साधन नहीं है, इसके वजह से मैं इनके साथ से आ चुका, यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दिक्कत जो हो रहा है COVID-19 को लेकर पूरे भारत में, जो भारत बंद है उसके सेवा में हमारे देश के पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे सेवारत जवान है उनसे। सर, यहाँ पर इस टाइप का जो चाक चौबंद है उसमें कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ, कुछ ट्रक वाले जो है, कई लोग 7 दिन से खाना नहीं खाए हैं, लॉकडाउन की स्थिति में सबको खाने पीने का, पैसों का तकलीफ हो रहा है, और उनका बाकायदा सबका थर्मल स्क्रीनिंग करा के, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है कि किसी को बुखार तो नहीं है या सर्दी खांसी अगर थोड़ी बहुत है भी तो उनको दवाई भी प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी प्रकार से दिक्कत तो है ही है, वायरस से तो दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी सब सहयोग कर रहे हैं, पब्लिक भी कर रही है। ठीक सर, धन्यवाद। 21 दिनों के इस लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन भी लोगों को यह सख्त हिदायत दे रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन इस क्षेत्र में देखने से पता चलता है कि यहाँ की जनता भी काफी सजग है, और हम यदि इसी तरीके से हमारे देश के लिए, क्षेत्र की जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता का अगर सहयोग रहा तो अवश्य कोरोना वायरस पर विजय पाएंगे। कैमरामैन राजू पटेल के साथ शिव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट, Clipper 28 बलरामपुर। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.